Good morning, students. So today we are going to discuss about standard 12 experiment number 1, which is also known as experiment of Ohm's law. In your textbook, the given name is something like this. To determine the resistance per unit length of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. क्या करना है आपको बेसिकली? Potential difference versus current का एक graph plot करना है और उससे आपको क्या find करना है? Resistance per unit length. क्लियर? जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, ये जो एम है वो आपको दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का एम है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही सेम टू सेम एम आपको दिया, वो लोग चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ? ग्राफ प्लॉट करना। अगर आप एग्जामिनेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये नहीं लिखा होगा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपली आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आप डायरेक्टली आपके पास जो फॉर्मूला है R is equal to V by I, इसका इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस से वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो हमने पहले ही बात कर ली कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपको रिटर्न करना है, सब कुछ आपको सिर्फ लिखना है। दूसरा पार्ट है आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सो क्या आपको लिखना है वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दिखा, ठीक है? सबसे पहले क्या है, एम, एम जो आपको ए होगा वो एम आपको लिख लेना है। उसके बाद एपरेटस, एपरेटस यानी कि आप जितने भी एपरेटस यूज करेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए वो सभी आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर? एपरेटस कौन से हम यूज करेंगे? बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और सिंपल की। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक पोर्शन का है तो ये तीनों चीजें तो कंपलसरी आएंगी आएंगी। उसके बाद हमें कौन सा आएंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और करंट चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजरमेंट करेंगे? वोल्ट मीटर से। करंट किससे मेजर करेंगे? एमीटर से। क्लियर? उसके बाद क्या है, रियोस्टेट, फिर एक स्केल। स्केल का इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे? क्योंकि हमें पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस चाहिए, इसके लिए उसकी लेंथ भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी और गिवन अननोन रेजिस्टेंस वायर, यानी कि आपको जो वायर दिया हुआ है जिसकी आप जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे एपरेटस। क्लियर? तो एपरेटस के बाद जो दूसरी चीज है वो है डायग्राम। कोई भी इलेक्ट्रिक पोर्शन का प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ता है। डायग्राम क्या है? जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो जो एपरेटस आपने यूज किए उसको किस तरह से कनेक्ट किया है उसका आपको एक डायग्राम में ड्रॉ करना है, ठीक है? तो डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कोई भी डायग्राम हो, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? ऑलवेज बैटरी से। क्लियर? बैटरी किस तरह से हम दर्शा सकते हैं? टू पैरेलल लाइन, वन इज लॉन्ग वन इज शॉर्ट। क्लियर? सो ये बैटरी की साइन है, यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है। ई वोल्टेज की बैटरी हमने लगाई हुई, बैटरी के पॉजिटिव में से हमने क्या जॉइंट किया हुआ है? ए। ए मीटर के साथ क्या है? एक सर्कल, उसमें ए, यानी कि ये ए मीटर है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव। ए मीटर का पॉजिटिव कहां पर कनेक्ट है? बैटरी के पॉजिटिव के साथ। अभी ए मीटर का नेगेटिव हम कहां कनेक्ट करेंगे? जो आपको अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ उसके साथ हम ए मीटर है वो कनेक्ट करेंगे। क्लियर? सो यहां पर हमने रेजिस्टेंस है वो ऐड कर दिया, रेजिस्टेंस वायर है वो रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ। क्लियर? ये हमारा रियोस्टेट है। सबसे पहले रेजिस्टेंस वायर आपको किस तरह से दिखाना है? ये उसका सिंबल है, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस वायर है वो जॉइंट कर देना है। ये किसका सिंबल है? रियोस्टेट। क्लियर? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हमने वायर है वो कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमने वायर कनेक्ट नहीं किया हुआ, एक सिंपल एरो करके छोड़ दिया, ठीक है? तो इसमें और इसमें एक चेंज, इसको हम साइन किया है कैपिटल आर, इसकी साइन क्या है? कैपिटल आर एंड एच। क्लियर? उसके बाद है सिंपल की, यहाँ पर हमने डॉट है वो किया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर ये डॉट है मतलब यहाँ से करंट पास हो सकता है। अगर ये डॉट हम निकाल दें उसका क्या मतलब हो जाएगा? कि अभी यहाँ से करंट पास नहीं होगा। क्लियर? सो अभी हमने यहाँ पर डॉट किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? करंट इसमें से पास
हो सकता है, कैसे सर्किट है, क्लोज सर्किट है, क्लियर। अभी यह हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमें क्या जोड़ करना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन अ पैरेलल, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज कनेक्शन, क्लियर। सो वोल्ट मीटर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, क्लियर। सो एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, अननोन रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और की, इस तरह से आपको जॉइंट कर देना है, क्लियर। बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ, एमीटर को किसके साथ जॉइंट किया हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस के साथ, अननोन रेजिस्टेंस से वो रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट की के साथ और की वापस से बैटरी के साथ। और दूसरी बात क्या, वोल्ट मीटर हमने अननोन रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ, क्लियर हो गई। नाउ ऑब्जर्वेशंस, जो आपने एपरेटस यूज किए उन सब के आपको ऑब्जर्वेशंस में वो लेने हैं, क्लियर। कौन से ऑपरेटर है, बैटरी कनेक्टिंग वायर और सिंपल की, उसके ऑब्जर्वेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वोल्ट मीटर, सो वोल्ट मीटर का आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, दो ऑब्जर्वेशन रहेंगे, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, उसके बाद ए मीटर है तो रेंज ऑफ ए मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर, रियोस्टेट, रियोस्टेट की भी आपको कोई ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, उसमें आप रेंज भी लिख सकते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस का वायर जो है उसकी आपको टोटल लेंथ फाइंड करनी है, क्यों, क्योंकि हमें पर यूनिट लेंथ है वो चाहिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट लेंथ है, इसलिए आपको टोटल लेंथ की रिक्वायरमेंट हो। ये जो ब्लैंक से हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसका जो आंसर मिलेगा उसका जो डेटा है यहाँ पर फिलअप कर देंगे, क्लियर। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन टेप, ऑब्जर्वेशन टेबल है यहाँ पे आपका, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ओहम्स लॉ, दो ही चीजें रिक्वायरमेंट है, कौन सी, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट, क्लियर। सो हमें दो ही कॉलम बनाने हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस का, दूसरा करंट। यहाँ पर हमने रीडिंग लिया हुआ है वोल्ट मीटर का रीडिंग, यहाँ पर हमने रीडिंग लिया हुआ है ए मीटर का रीडिंग। सो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग आए जो आप सेट करेंगे उसका रीडिंग यहाँ पे लिखना है, और उस रीडिंग पर आपका ए मीटर का कौन सा रीडिंग आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ए मीटर आप जो यूज कर रहे हैं वो मिली ए मीटर होगा, सो पहले जो आपको आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, मिली ए मीटर, यहाँ पर हमने ऐसा यूनिट लिखा हुआ, सो यहाँ पे भी हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई डैश इनटू 10^-3, सो आंसर किसमें मिलेगा हमें, एम्पीयर। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। दो ही चीजें करनी है, कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है और करंट लेना है, इन दोनों की वैल्यू आपको लिखते जानी है। नंबर ऑफ रीडिंग कितने लिए हमने, 5 रीडिंग, मिनिमम 5 रीडिंग आपको लेनी है, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। सपोज कि हमने रीडिंग ली है 1 वोल्टेज के लिए, उसके लिए हमें आंसर क्या मिलेगा, सपोज 100 मिली एम्पियर मिल रहा है, उसे हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका पहला रीडिंग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज को 2 पे सेट करेंगे, उसके लिए क्या आंसर मिलेगा, सपोज 200 मिला, सो 4 रीडिंग हो गया। उसके बाद 3, 4, 5, इस तरह से हम मिनिमम 5 रीडिंग है वो लेंगे, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म करेंगे, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल है वो पूरा फिलअप करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी कोई ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन जितनी भी आएंगी वो कैलकुलेशन करेंगे और एरर फाइंड करेंगे, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस द एपरेटस। सो फर्स्ट एपरेटस योर बैटरी, डीसी बैटरी, आपको डीसी बैटरी का यूज करना है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिकल है उसमें आपको ये इस तरह की बैटरी का है वो यूज करना है। इसमें क्या है, यहाँ पे रेड टर्मिनल है और एक ब्लैक टर्मिनल है, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ पर साइन भी दी हुई है, ये पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की। यहाँ पे आपको वोल्टेज सेट करने के लिए एक इंडिकेटर दिया हुआ है,
2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से यहाँ पे आपको एक स्विच दी हुई है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक आपकी सिंपल की, इस तरह से आपकी एक सिंपल की होगी, यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जगह है, वहां पर हमें की है उसे इस तरह से प्रेस करके डाल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से आपकी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको सर्किट में से करंट पास नहीं करना है तो आपको ये की है वो रिमूव कर देगी। अगर की क्लोज है तो ये क्लोज सर्किट है, अगर की नहीं है तो ये ओपन सर्किट है। तो ये दोनों चीजें आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोर्शन के प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी तो हमारा मेन प्रैक्टिकल ओहम्स लॉ का प्रैक्टिकल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दूसरा करंट चाहिए। सो करंट हम किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। सो ये हमारा एमीटर, ये जो एमीटर है उसमें भी दो टर्मिनल दिए हुए हैं, एक है रेड एक है ब्लैक, ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है और ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। जो बैटरी में से पॉजिटिव वायर रहेगी वो यहाँ पर कनेक्ट करनी है और जो दूसरी है वो यहाँ से नेगेटिव में से निकल के बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगी। अभी यहाँ पे इसका डायल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 0 से लेके 500 तक का मेजरमेंट है वो आपको दिया हुआ है। हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हुए थे, ऑब्जर्वेशन आपको किसका लेना था, ए मीटर की रेंज। क्लियर। तो रेंज क्या होगी ए मीटर की, 0 से लेके 500। यूनिट क्या आएगा उसका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिली एम्पियर। सो इसकी रेंज हो गई 0 to 500 मिली एम्पियर। उसके बाद एक दूसरा ऑब्जर्वेशन लेना था, वो क्या था, लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर। सो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जो हमने रेंज पहले फाइंड की, क्या थी इसकी रेंज, 0 to 500 मिली एम्पियर। अभी हमें क्या करना है, इसमें जो डिवीजन दिए हुए वो टोटल कितने डिवीजन है वो हमें कैलकुलेट करने है। कितने हैं यहाँ पे, 0 से लेके 100 के बीच में 10 है, सो 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज 50। सो हमारा लीस्ट काउंट क्या होगा, रेंज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सो 500 डिवाइड बाय 50, सो आंसर विल बी 10 मिली एम्पियर। सो ये जो आपका ए मीटर है इसकी रेंज क्या है, 0 to 500 मिली एम्पियर, और इसका लीस्ट काउंट क्या है, 10 मिली एम्पियर। क्लियर। इसी तरह से जो हमारी दूसरा ऑपरेटर है वो है वोल्ट मीटर। सो हमारा दूसरा जो ऑपरेटर है वो है वोल्ट मीटर। क्लियर। इसका भी हमें रेंज और लीस्ट काउंट है वो फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज क्या है इसकी, 0 to 10 वोल्टेज। क्लियर। 0 to 10 वोल्टेज इसकी रेंज है। उसके बाद क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 0 से लेके 2 के बीच में 10 डिवीजन है, सो 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो 10 डिवाइड बाय 50, सो आपका लीस्ट काउंट कितना आएगा, 0.2 वोल्टेज। क्लियर। सो वोल्ट मीटर की रेंज 0 to 10 वोल्टेज और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट 0.2 वोल्टेज। इसमें भी ए मीटर की तरह सेम दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड और ब्लैक। क्लियर। सो थर्ड ऑपरेटर इज रियोस्टेट, ये आपका रियोस्टेट है। इसके आपको कोई ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपको सर्किट में ज्वाइंट करना है। रियोस्टेट में यहां पर एक टर्मिनल दिया हुआ है, दो टर्मिनल यहां पर नीचे की साइड दिए हुए हैं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं पे भी जॉइंट है वो कर सकते। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पर तो एक वायर आपको जॉइंट करना ही करना है, यहाँ पर जो दो है वहाँ पर आप कहीं पे भी कर सकते, या तो यहाँ पर आप जॉइंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर। क्लियर। एक यहाँ पर कंपलसरी है, दूसरा या तो यहाँ पर आप जॉइंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जॉइंट कर सकते, दोनों यहाँ पर आपको जॉइंट नहीं करना है। क्लियर। एक यहाँ पर, दूसरा या तो आप यहाँ पर जॉइंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर। ऊपर जो स्लाइड है वो आपको इस तरह से खींच के इसको आप यहाँ पे स्लाइड है वो कर सकते हैं। क्लियर। सो ये आपका रियोस्टेट। उसके बाद जो आपका एपरेटस है वो है गिवन अननोन वायर। इस तरह से आपको एक वायर दिया हुआ जो कि एक लकड़ी के बोर्ड पर इस तरह से लगाया हुआ है। क्लियर।
अभी हमें क्या करना है, इसकी लेंथ है वो फाइंड करनी है, जो हम स्केल से कर सकते हैं। ये जो लास्ट के दो एंड है उसकी लेंथ सेम ही होगी, हम दोनों में से किसी एक की लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे स्केल से। इसकी लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर, क्लियर। सो तो हमारा लॉन्ग एंड है वो कितना है, 14 प्लस ये वाला अगर 14 है तो लास्ट वाला भी कितना होता है, होगा 14। सो दोनों मिला के 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अभी जो बीच के था, जो बीच के वायर है वो सभी की लेंथ भी सेम होगी, हम किसी एक की लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। सपोज हमने इसकी लेंथ फाइंड की है, कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कितने वायर दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सो टोटल 12 × 6 72 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 1 मीटर, क्लियर। सो अभी हमारे सारे ऑब्जर्वेशन है उनमें ले लिए, हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है, ए मीटर की रेंज और ए मीटर का लिस्ट काउंट, वोल्ट मीटर की रेंज और वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, जो अननोन वायर था उसकी टोटल लेंथ, और वो हमने स्केल यूज की है उसका भी लिस्ट काउंट, उसका लिस्ट काउंट हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने डिवीजन दिए हुए हैं, 10 डिवीजन दिए हुए हैं, सो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। सो अभी हमारे सारे ऑब्जर्वेशन है वो हमें खत्म कर दिए। अभी हमें ऑब्जर्वेशन टेबल की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, रफली हमें ऑब्जर्वेशन टेबल है वो बना लेंगे, जो हमने नंबर, उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग, ये आपको रफली बना लेना है। अब हम प्रैक्टिकली वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी सर्किट है उसको जॉइंट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, बैटरी से, क्लियर। तो ये आपकी बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये हम स्टार्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ पर हमने जॉइंट किया हुआ है, ए मीटर के साथ। उसके बाद ए मीटर को हमने जो आपका वायर है उसके साथ जॉइंट किया हुआ है, वायर को रियोस्टेट के साथ जॉइंट किया हुआ है। उसके बाद रियोस्टेट का जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ हमने जॉइंट किया हुआ है। जो दूसरा टर्मिनल है रियोस्टेट का, या तो आप इसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं या तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है। क्या जॉइंट किया है, की, और सिंपल की वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। सो आपकी ये सर्किट है वो क्लोज हो गई, बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव है, एमीटर का नेगेटिव आपके वायर के साथ, वायर का नेगेटिव है वो रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट है वो की के साथ, और की वापस से बैटरी के नेगेटिव के साथ। अभी जो आपका वोल्ट मीटर है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। जो हमारा वायर है वायर के साथ हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ आएगा, नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ है। तो यहाँ पर आपकी सर्किट है वो कंप्लीट हो गई, बैटरी, एमीटर, वायर, रियोस्टेट, की और वोल्ट, सबका यूज करके हमने सर्किट है वो कंप्लीट कर दी। जब भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में है या फिर आप अपने लैब में कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो टीचर है उसको आपकी सर्किट है वो दिखा देंगे, वो एक बार ओके कर देंगे, उसके बाद ही आपको ये स्टार्ट करना है, क्लियर। हमने सर्किट है वो ज्वाइन कर लिया, अभी हम प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करें। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे ये जो पावर का इंडिकेटर है, इससे हमें क्या पता चलेगा, बैटरी आ गई आपकी स्टार्ट हो गई है। कोई एक वोल्टेज पे हमें उसे सेट कर देना है,
उसके बाद हमें बीच में प्रैक्टिकल में कभी भी इसको चेंज नहीं करना है। इसको आप एक बार कहीं पे भी सेट कर दीजिए, उसके बाद इसको वहीं पे सेम रखना है। जो ये हमारी सिंपल की है उसे हमने अभी ओपन रखा हुआ, यानी कि इस सर्किट में से अभी करंट है वो पास नहीं हो सकता। बैटरी हमने स्टार्ट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, की को क्लोज कर देंगे। जैसे ही की क्लोज करेंगे इसमें से करंट है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ए मीटर पे, वोल्ट मीटर पे, दोनों पे रीडिंग है वो मिलने लगेंगे। हमें क्या करना है, हमें वोल्ट मीटर के रीडिंग लेने हैं। जो जो वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे उस रीडिंग पे ए मीटर में कौन सा रीडिंग आ रहा है वो हमें लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर है उसको हम सेट करेंगे। कहाँ पे सेट कर लेंगे, हमें चाहिए 1 वोल्टेज। रियोस्टेट का स्लाइडर है उसमें हम चेंज करेंगे, स्लाइडर में चेंज करेंगे। रियोस्टेट का स्लाइडर हम चेंज करके वोल्ट मीटर का रीडिंग अभी कहाँ पे लेंगे, 1 वोल्ट पे। सो ये 1 वोल्ट आ गया हमारा, सो वोल्टेज रीडिंग विल बी 1 वोल्टेज। और ए मीटर का रीडिंग क्या है वो अभी हमें देखना है, कहाँ पे है, 100 में से 2 कम है। सो यानी ए मीटर का रीडिंग आ गया 80 मिली एम्पियर। सो ये हमारा पहला रीडिंग कंप्लीट। दूसरा रीडिंग जो हमें लेना है वो कहाँ पे लेंगे, 2 वोल्टेज पे। फिर से रियोस्टेट में चेंज करेंगे, सो सेकंड रीडिंग विल बी 2 वोल्टेज पे। ठीक है, ये हमारा 2 वोल्ट। उसके लिए ए मीटर का रीडिंग क्या आ रहा है, 160 मिली। सो 2 वोल्ट का रीडिंग आ रहा है 160 मिली एम्पियर। अभी तीसरा रीडिंग 3 वोल्ट पे, फिर से हम 3 वोल्ट पे सेट करेंगे। थर्ड रीडिंग हमारा 3 वोल्ट के लिए, ए मीटर का रीडिंग क्या है, 240 मिली एम्पियर। सो इसे अभी हम नोट डाउन कर लेंगे, 240 मिली एम्पियर। अभी फोर्थ रीडिंग 4 वोल्ट के लिए, फिर से रियोस्टेट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हमारा कहाँ पे लेना है, 4 वोल्ट पे। वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट, ए मीटर का रीडिंग कितना है, 320। तो 4 वोल्ट के लिए ए मीटर का रीडिंग है 320 मिली एम्पियर। उसी तरह से पांचवा रीडिंग 5 वोल्ट के लिए, इसमें भी 5 पे सेट करेंगे। अभी इसको हम सेट करेंगे 5 वोल्ट पे, वोल्ट मीटर 5 है, ए मीटर का रीडिंग क्या आ रहा है, 400 मिली एम्पियर। सो ये हमारा पांचवा रीडिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है वो पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे क्या करना है, आपको बैटरी है वो आपको क्लोज कर देगा। ठीक है, सिंपल की है उसमें से की आपको रिमूव कर देंगे और बैटरी को क्लोज करके निकाल देंगे। यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल है वो पूरा परफॉर्म कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और कैलकुलेशन करना है। प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपने सर्किट ज्वाइन कर दी, बैटरी से ए मीटर, ए मीटर से वायर, वायर से रियोस्टेट, रियोस्टेट से की से भी बैटरी, वोल्ट मीटर को हमने वायर से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर क्या किया, रियोस्टेट में चेंज करके वोल्टेज को, वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे, इस तरह से 1, 2, 3, 5, 4 और 5 इसके रीडिंग लिए। 1 वोल्ट पे जब वोल्ट मीटर था तब ए मीटर का रीडिंग क्या आया था वो हमने नोट किया। उसके बाद 2 पे कितना था, 3 पे कितना था, इस तरह से हमने 5 रीडिंग है वो कंप्लीट किए। अब हम क्या करेंगे, उस रीडिंग का यूज करके जो हमारा कैलकुलेशन है, ग्राफ ड्रॉ करना है, वो सब हम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, जो आपकी शीट बनी थी उसमें हम डेटा है वो फिलअप कर दें। क्लियर, सबसे पहले हमारे जो ऑब्जर्वेशन हमने जो लिए हुए वो हमने यहाँ पे फिल कर लिया। सबसे पहले क्या है, रेंज ऑफ ए मीटर की रेंज हमने क्या ली थी, 0 to 500 मिली एम्पियर।
और उसका लीस्ट काउंट कितना था, टोटल रेंज थी 500 डिवाइड बाय टोटल डिवीजन कितने थे 50, सो आंसर इज 10 मिली एम्पीयर। यहां पर आपको यूनिट कंपलसरी लिखना है, क्लियर। उसके बाद रेंज ऑफ वोल्ट क्या मिली थी हमें, रेंज 0 टू 10 वोल्ट, क्लियर। लीस्ट काउंट क्या था वोल्ट मीटर का, तो टोटल रेंज थी वो थी 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन थे 50, सो आंसर विल बी 0.2 वोल्टेज, क्लियर। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ स्टेप क्या मिल गया हमें, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर या फिर 0.001 मीटर, क्लियर। ऐसा ही मिलेंगे तो मीटर मिलेगा। टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो हमारा वायर था उसकी हमने टोटल लेंथ है वो फाइंड की, वो कितनी थी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, क्लियर। सो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे जो हमने ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन टेबल की वैल्यू लिखी, तो सर ऑब्जर्वेशन टेबल के हमने डेटा है वो फाइंड किए थे, उसमें हमने 5 लिए थे, वो लिए वोल्टेज कितने लिए थे हमने उसमें 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। 1 वोल्टेज के लिए हमें एमीटर का कितना रीडिंग आया था 80 मिली एम्पीयर, यहां पर हमें मिली एम्पीयर नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में हेडिंग में लिख दिया है यूनिट, तो फिर आपको डेटा में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। 1 वोल्टेज के लिए हमने रीडिंग क्या लिया था 80 मिली एम्पीयर, लेकिन उसे हमें जैसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, सो आंसर विल बी 0.08 एम्पीयर, क्लियर। लेकिन यहाँ पर भी हमने एम्पीयर लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद सेकंड वोल्टेज के लिए कितना वोल्ट लिया था हमने, 2 वोल्ट, आंसर क्या आया था 160, सो 0.16। उसके बाद 3 वोल्ट के लिए आंसर क्या मिला था 240, सो 0.24। उसके बाद 4 के लिए 320, सो आंसर इज 0.32 एंड 5 वोल्ट के लिए 400 मिली एम्पीयर, सो 0.40 एम्पीयर या फिर 0.4 एम्पीयर। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कंप्लीट हो गया। हमने 5 डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लिए, 1 वोल्ट के लिए एमीटर का रीडिंग क्या आया था 80, 2 के लिए 160, 3 के लिए 240, 4 के लिए 320 और 5 के लिए 400। सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्लियर। हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर सब कुछ आपको ये कहा हुआ होगा, ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको एक कॉलम ऐड कर देनी है, कौन सी वाली, R इज इक्वल टू V / I, तो ये हमारा V, ये हमारा I है, उसकी कैलकुलेशन को करके जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपको डायरेक्ट है वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पर R लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, सो पोटेंशियल डिफरेंस x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या आएगा करंट। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको लेनी है, तो यहां पे 0 होगा, यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5। आपको स्केल लिखना है, सो एक्स एक्सिस पे स्केल क्या है आपका 1 सेंटीमीटर पे हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, क्लियर। और यहां पर वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, करंट की वैल्यू, ठीक है, 80, 160, 240, 320, 400, सो यहां पर हम लिखेंगे 80, यहाँ पर 160, 240, 320 और 400, ये हमें किस में लिए है मिली एम्पीयर, ये हमें किस में लिए है वोल्टेज, क्लियर।
इसका भी आपको स्केल लिखना है y पे 1 सेमी इज इक्वल टू 80 मिलियन क्लियर। अभी आपको ग्राफ है वो प्लॉट करना है, पहले आपको कौन सा आएगा 1 वोल्ट पे 80 मिलियन पे 1 वोल्ट पे 80 तो यहां पे आएगा, उसके बाद 2 पे 160 तो यहां पे आएगा 60 और ये 2, इस तरह से 3 पे 240 पे 320 पे और 4 पे ये इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन क्लियर, सभी पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन। हमें पता है ओम्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो v इज इक्वल टू r i, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि क्या होगा जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्लियर। सो क्या कर सकते हैं हमने जो ये रीडिंग ली है वो सही है क्लियर। सो ये आपका ग्राफ मिल गया आपको। अभी हमें क्या करना है कैलकुलेशंस करने हैं, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। सो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ के कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए ये वाला और ये वाला, यहां से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और सी ठीक। हमें क्या करना है इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन y एंड डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x x एक्सिस क्लियर, डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस। सो ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी 320 माइनस 160 सो आंसर इज 160 डिवाइड बाय बी सी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 सो आंसर इज 2। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये 160 है वो मिली एम्पियर में दिया हुआ है, यहां पर वोल्टेज में है तो इसे भी हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है सो 10^-3 सो 8। सो आंसर क्या आएगा आपका 0.08 ये आपका स्लोप हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप सो आंसर इज 1 डिवाइड बाय 0.08 सो आंसर विल बी 12.5 ओम। सो ये आपका फाइनल आंसर, इसका आंसर है रेजिस्टेंस। हमें क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस और यूनिट लेंथ हमको फाइंड करना है, टोटल लेंथ कितनी है हमें 1 मीटर सो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12.5 डिवाइड बाय 1 क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा होगा तो 100 क्लियर, लेकिन हमने यहां पे मीटर में लिया हुआ है सो फाइनल आंसर विल बी 12.5 ओम पर मीटर। सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा 0.125 ओम पर सेंटीमीटर क्लियर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है जो हमने एपरेटस यूज किए हो सकते हैं उसमें कुछ एरर भी हो तो हमें एरर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था r इक्वल टू v / i, सो एरर का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा r / r इक्वल टू डेल्टा v / v, यहां पर डिफरेंशिएशन है सो प्लस डेल्टा i / i, डेल्टा i की वैल्यू हमें चाहिए सो डेल्टा r इज इक्वल टू r डेल्टा v / v प्लस डेल्टा i / i। सो r की वैल्यू क्या है 12.5, डेल्टा v की वैल्यू डेल्टा v यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट कितना है 0.2 डिवाइड बाय v, v यानी कि वोल्टेज की वैल्यू, यहां पर हमने जो भी रीडिंग ली है उसका आपको एवरेज निकालना है 1+2+3+4+5 डिवाइड बाय 5 सो आंसर इज 3। सो यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा i, डेल्टा यानी लीस्ट काउंट ऑफ n 10 मिलियन सो 10^-3 डिवाइड बाय i की वैल्यू
80, 160, 240, 320 और 400. इसका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, क्या आंसर मिलेगा? 240. So 240 into 10 raised to minus 3. Minus 3, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 will be cancelled. अभी आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है. जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा आर. ठीक है, तो ये आपकी एरर फाइंड है. उसके बाद आपको जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर है, उसमें आपको जो भी एरर आएगी वो एड कर देनी है. सो फाइनल आर इज आर प्लस और माइनस डेल्टा, ये आपका फाइनल आंसर. सो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल है वो कॉम्प्लीट हो गया. ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने आपका जो एम है वो एम लिख देना है. उसके बाद जितने भी आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन लिख देना है. जो आपका डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करना है. ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, कौन से ऑब्जर्वेशन आएंगे, जितने भी आपने एप्लीकेशन यूज किए उन सबके ऑब्जर्वेशन लेने हैं. फिर ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है, क्लियर. फिर प्रैक्टिकल करके इन सब ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल के डेटा है आपको फिलअप करने हैं. फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है. उसके बाद कैलकुलेशन और एरर की कैलकुलेशन से आप अपना फाइनल आंसर है वो ले सकते हैं. तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ठीक है.